हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो कि आपका एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं पर आज के बाद इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा आप कभी भी इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूज नहीं हो पाओगे बस इस वीडियो को पूरा देख लेना मेरे साथ पिछले वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है कैसे आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर से अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं ऊपर प्ले की लिंक है आई बटन पर तो चलो स्टार्ट करते हैं देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हमें जानना होगा ऑप्टिकल डेंसिटी को कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है जब हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं अगर हम पहले कंसेप्ट को ही पढ़ लेंगे तो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज है ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी पहली बात तो डेंसिटी से आपका क्या मतलब है डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम पर ये वो वाली डेंसिटी नहीं है तो एक बार के लिए उस वाली डेफिनेशन को भूल जाओ जो मैं कह रहा हूं उस डेंसिटी को याद रखो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी ऑप्टिक्स के अंदर डेंसिटी कैसे जैसे कि यहां पर आपके पास दो मीडियम है एक मैं ले, ले लेता हूं यहां पर है एयर और दूसरा मीडियम ऐसा मान लेते हैं मेरे पास है ग्लास तो ये दो मीडियम है और ये एक सेपरेशन लाइन है दोनों मीडियम्स के बीच की एक मेरे पास क्या है एयर दूसरा मेरे पास कौन सा मीडियम है ग्लास और ये मेरे पास क्या है सेपरेशन लाइन तो अगर कोई रे यहां से आती है एयर से ये कोई इंसिडेंट रे है हमारे पास ऐसा मान लेते हैं ये कोई इंसिडेंट रे है और यहां पे हम ड्रा कर लेते हैं नॉर्मल को तो ये हमारे पास हो गई नॉर्मल अभी तक हम रिफ्लेक्शन को तो पढ़ चुके हैं ना तो अब देखिए क्या होगा एयर से रे आ रही है ग्लास में तो ग्लास में जब रे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम हो जाएगी डेफिनेट सी बात है स्पीड है वो कम हो जाएगी क्यों क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं एज कंपेयर टू ग्लास तो ग्लास के अंदर पार्टिकल्स क्या हैं पास पास हैं क्लोज हैं तो इसलिए उसकी स्पीड है वो क्या होगी ग्लास में आकर के डिक्रीज होगी अब यहां पे मैं डेंसिटी की बात कर लूं या फिर मैं बात कर रहा हूं किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये क्या होगी एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है यानी ग्लास के अंदर मीडियम ज्यादा डेंस है यानी यहां पे अगर मैं बोलूं एयर कैसा मीडियम है रेरर एयर कैसा मीडियम है रेरर और ग्लास कैसा मीडियम है डेंसर तो दो आपके पास मीडियम हो गए एक मीडियम हो गया रेरर और दूसरा हो गया डेंसर ऊपर मैं ग्लास ले लेता नीचे में एयर ले लेता तो ऊपर मीडियम डेंसर हो जाता नीचे रेर हो जाता यानी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज़ है कि पार्टिकल्स हैं वो कितने ज्यादा डेंस हैं मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियोज के अंदर कि अगर आप दौड़ रहे हो खुली हवा के अंदर खुले एटमोस्फेयर अट में आप दौड़ रहे हो लेकिन आपके पैरों के पास पानी भर दिया जाए तो आप धीरे दौड़ पाओगे कि तेज सीधी सी बात है आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी ठीक वैसा ही इसके साथ भी होगा ये जो रे एयर से आ रही है और इंटर कर रही है वोटर के अंदर यानी ग्लास के अंदर तो क्या होगा ये टुअर्ड्स टू तु नॉर्मल बैंड हो जाएगी इसकी स्पीड क्या हो गई है यहाँ पे डिक्रीज हो गई है तो यहाँ से आप तो, आपको ऑप्टिकल डेंसिटी को समझ जाना है यानी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के लिए क्या है कम है और ग्लास के लिए ज्यादा है इस ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम बोलते हैं एक बार के लिए ऐसा ही समझ लो कि इस ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव

कैसे तो ये अभी तो मैंने बताया ऑप्टिकल डेंसिटी तो कैसे पता चलेगा अब बताओ ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट की स्पीड कम होगी होगी कि नहीं होगी देखो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा थी ग्लास ज्यादा डेंस मीडियम है मतलब इसमें पार्टिकल्स पास पास हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होगी कम होगी तो मैंने बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी ही क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे म्यू से या एन से तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं म्यू या फिर आपका एन जो भी चाहे आप ले सकते हैं मैं चलिए यहां पे म्यू ले रहा हूं इसको तो इज इस डायरेक्टली और इनवर्सली डायरेक्टली और इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट ध्यान से देखो मैंने क्या लिख दिया यहां पे लाइट तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या हो रहा है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है समझ लो बात को ऑप्टिकल डेंसिटी ही क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई कि नहीं हुई अब यहां पे हम कंपैरिजन पे आते हैं तो जब भी कोई बोले आपको जैसे मान लेते हैं ग्लास है इसके लिए आपको किसी ने बोला कि आप क्या लिखिए इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए तो अब अकेले ग्लास का तो कोई यहां पर लेना देना है नहीं तो आप क्या करेंगे किसी ने किसी से कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करके आप इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएंगे अब कंपेयर किससे करते हैं कंपेयर करते हैं वैक्यूम से ठीक है लेकिन वैक्यूम को हम लगभग एयर के बराबर ले लेते हैं वैसे तो एयर और वैक्यूम ए, वैक्यूम कौन सी जगह है जहां पे कोई मीडियम नहीं है और हमें पता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है सी इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड जो कि सभी को पता है तो अब इसके बाद देखिए हम क्या ले रहे हैं एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड इसी को ले रहे हैं मतलब एयर है उसको हम अबाउट टू इक्वल वैक्यूम ले लेते हैं और उसी के कंपेयर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो अब आपको किसी ने बोला ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो आप क्या करेंगे तो मैं कैसे लिखूंगा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ग्लास के लिए पूछा है तो क्या लिखूंगा जी किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में अकेला तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को लिख ही नहीं सकता भाई ये मीडियम अगर डेंसर है तो किसी के रेस्पेक्ट में डेंसर डेंसर होगा ना ऐसे सिंगल क्या है दो चीजों को कंपेयर करोगे भाई एल्कोहल है, 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 है ग्लास है या कैरोन है या ग्लास है कोई भी मीडियम उसके रेस्पेक्ट में देखोगे ना कौन से में पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं कौन से में पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो एयर के रेस्पेक्ट में तो यहां पे मैं लिख देता हूं एयर और ये हमारे पास हो गया ग्लास ठीक है तो ये यहां पे याद रखना जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जा रही हो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या आएगी नीचे आएगी समझ गए बात तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा इक्वल्स टू पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किसके अंदर एयर में और दूसरा क्या लिखूंगा यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन किसके लिए लिखेंगे ग्लास के लिए तो यानी पहले तो देखिए क्या लिखा है और अपोन में क्या लिखा स्पीड ऑफ लाइट फॉर ग्लास यानी जिसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखनी है उसके लिए आप क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे मैंने देखिए क्या बोला यहां पे देखिए इस बात पे ध्यान दो ये आपका मैंने बोला है कि म्यू है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के देखिए यहां पे इस साइड में लिख देता हूं एक बार दोबारा ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए व्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और वी क्या है यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है जब म्यू अगर यहां पे हमें म्यू के बारे में लिखना है तो स्पीड ऑफ लाइट कहां आएगी नीचे आएगी कि ऊपर आएगी उल्टी हो जाएगी ना भाई हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते तो हम क्या करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ऐसा करते पर अब हम क्या कर रहे हैं हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना है और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट ऐसा है ना तो स्पीड ऑफ लाइट को कहां ले जाओ ऊपर ले जाओ इसके लिए लिखना है ना इसके लिए तो क्या करो करो स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ लाइट लाइट इन इन पहले एयर और उसके बाद क्या ग्लास समझे बात को तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखिए अगर आपको कोई आके बोलेगा कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए क्या बोलेगा डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टू है इस बात का मतलब बताओ किसी ने आके बोला कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है या किसी भी सस्टांस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ ये आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है तो आप आंसर कैसे करोगे तो देखो यहां पे दो चीजें आपको समझ आ रही होंगी एक तो ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो दोनों एक ही तो चीजें हैं मैंने पहले बोल दिया है ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही बात है अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ज्यादा हो जादा हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो डिक्रीज हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है किससे हो जाती है अब देखो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोला 2.42 अकेली तो आई नहीं होगी तो किसके रेस्पेक्ट में आई होगी अरे सीधी सी बात है एयर के रेस्पेक्ट में आई होगी एयर के रेस्पेक्ट में आई होगी तो लाइट की स्पीड भी किस मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी किससे कम होगी किसके कंपैरिजन में कम होगी एयर के कंपैरिजन में कम होगी या वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगी तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने हमें बोला है डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टू पॉइंट फोर टू है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डायमंड में लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर में टू पॉइंट फोर टू टाइम्स कम है समझ गए बात को किसी ने भी बोला किसी भी सब्सटेंस के लिए बोला उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है मतलब बताओ अकेले की तो होगी नहीं एयर के कंपेयर में होगी तो एयर से उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतने गुना कम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अच्छा किसी ने बोला स्पीड ऑफ लाइट ये है किसी ने स्पीड ऑफ लाइट ही दे दिया आपको फिर तो सीधा सीधा क्या करो अपोन में रख दो भाई आपको बोला ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो और आपको बोल दिया स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में यह एग्जाम्पल लेते हैं चलो इसको रिमूव कर रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं तो अभी तक यहां देखिए हमने क्या देखा कि रिफ्रेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं म्यू डी दोनों क्या है एक ही बातें ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब किसी ने आपको बोला एयर देखिए एयर के अंदर तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है थ्री इन टू की पावर एट मीटर पर सेकेंड अब किसी ने आपको बोला ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो और ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दिया ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दिया 2 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये आपको दे दिया गया है अब आपको पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ क्या करना है भाई ग्लास यानी अब देखिए ये भी यहां पे आ, वरी करता है कि किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है अगर उसने बोला है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो अब किसके रेस्पेक्ट में तो सिंपल बोला है किसी ने ग्लास के रेस्पेक्ट में या फिर दो मीडियम आपको दे दिए होते कि ग्लास से और दूसरे किसी सब्सटेंस में जा रही है तो क्या करते देखिए उसके बारे में बात करेंगे पहले तो सिंपल किसी ने बोला है आप क्या करेंगे म्यू इक्वल्स टू क्या होता है पहले देखिए ग्लास के लिए निकालना है तो यहां पर क्या कर देंगे एयर कर देंगे इक्वल रखो स्पीड ऑफ लाइट इन पहले देखिए क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी नीचे आ अपने आप तो स्पीड ऑफ लाइट पहले तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दूसरा अपोन में क्या रखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास समझ गए बात को अच्छा तो यहां पे क्या कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है थ्री इन टेन की पावर एट और यहां पे क्या है देखिए टू इन टेन की पावर एट ये कैंसिल आउट हो गया क्या बचा आपके पास आंसर आंसर क्या बच गया देखिए हमारे पास थ्री बाई टू करेंगे तो वन पॉइंट फाइव अगेन हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गई फाइव अब मुझे फटाफट बताओ इस बात का क्या मतलब निकलता है मुझे बोला ग्लास के की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वन पॉइंट फाइव क्या मतलब निकलता है किसके रेस्पेक्ट में है एयर के रेस्पेक्ट में है तो इसका मतलब ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स कम है समझ गए या फिर दूसरा क्या कह सकते हो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की समझना बात को ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के कंपैरिजन uh, में 1.5 टाइम्स ज्यादा है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट की अगर ये कम है तो ये ज्यादा है इतना ही तो बात है भाई ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही तो बात है अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इतने ही तो टाइम कम होगी भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी 1. टाइम्स टाइम time कम होगी तो इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी 1.5 टाइम्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी अब दो मीडियम आपको दे दे अब की बार सीधा सीधा आपको दो मीडियम दे दे कि एक मीडियम है सर आपके पास कौन सा एक मीडियम आपको बोले कि सर एक मीडियम है आपके पास है। चलो एयर नहीं रखते हैं बोल दे आपके पास एक मीडियम है एल्कोहल ठीक है ओ एच ले, ले लेते हैं और दूसरा मीडियम आपको बोल दे कि क्या है ग्लास ठीक है इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दे और इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दे या फिर बार सीधा सीधा आपको बोल दे कि आ, यहां पे विद रेस्पेक्ट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एल्कोहल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास या विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल किसी के लिए भी यानी यहां पे मैं लिख देता हूं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास के लिए है और विद रेस्पेक्ट टू क्या है एल्कोहल फाइंड आउट करो क्या बोला ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल फाइंड आउट करो समझ रहे हो ना बात को तो मैंने देखिए यहां तो ग्लास को लिखा और एल्कोहल को पीछे लिखा स्पीड ऑफ लाइट किसमें लिखूंगा पहले पहले किसमें लिखूंगा एल्कोहल में लिखूंगा क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है यहां पे देखो जी पहले यहां पे जी आ रहा है इसका मतलब इसके लिए ऊपर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल और अपोन में क्या करूंगा स्पीड ऑफ लाइट फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे यही मुझे अगर ऐसा बोला होता स्पीड सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करो एल्कोहल के लिए OH, के लिए फाइंड आउट करो किसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ग्लास अब क्या करता मैं पहले क्या करता है अपोन में क्या रखता है स्पीड ऑफ लाइट फॉर एल्कोहल मतलब मुझे यहां से दो चीजें देखो सारे कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए हैं और कैसे क्लियर हो गए हैं सुनो पहली बात सुनो अभी अपन रिमाइंड कर रहे हैं पहली बात क्या बताई मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों एक ही बात है मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दोनों एक ही बात है स्पीड ऑफ लाइट इन कम यानी दोनों एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कोई बोले इतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है समझ जाओ एयर के कंपेयर में इसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी कम है या फिर डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो बता दो कि ये मीडियम इस ये जो मीडियम है वो एयर के मुकाबले इतना ज्यादा डेंस है यही मतलब होता है ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी इस सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपेरिजन में इतनी है सीधा सीधा दे देता है कि एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल इतनी है तो बताओ तो बता दो तो एल्कोहल से उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इतनी कम होगी इतने टाइम्स जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है है ना जैसा कि हमने डायमंड के लिए देखा था ठीक वैसे ही तो अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो आई होप आप समझे होंगे यहां पे दो चीजें बरी करती है एक तो ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और दूसरा यहाँ पे इसके साथ स्पीड इस ऑफ लाइट तो हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटांस की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू स्पीड इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज कॉल्ड इंडेक्स किसी भी की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है पहले एयर की लाइट, लाइट 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 की जो स्पीड है वो एयर में रखनी है और अपोन में क्या कर देना है उस की स्पीड रख देनी है ठीक है सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर लीजिए बाकी मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे